हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अग्रेज में। ये टॉर्चर टास्क नहीं था, ये कहीं ना कहीं आपकी अंदर की भड़ास टास्क था, जो कहीं ना कहीं आपने दूसरों पे टारगेट किया है। पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं बताने की कोशिश करूंगा कि टास्क आखिर बिग बॉस में ऐसे कब कब और क्यों क्यों लाए जाते हैं। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना हमारा यूट्यूब चैनल। घर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उसके साथ साथ एक टॉर्चर टास्क आया जो हर एक सीजन के अंदर लाया जाता है। पहले तो स्टार्टिंग में लाया जाता था और वहां पे कोई ना कोई स्टार बनता था। आपको याद होगा आसिम रियाज हो, गौतम गुलाटी हो, उनके वो भी काफी टॉर्चर किया गया था, जहां तक वो एक विनर क्वालिटी लोगों को दिखने लगी थी। इस बार बिग बॉस स्टार्टिंग में टास्क क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि यहां पता था कि अगर ये टास्क आएगा तो यहां पे सीधा सीधा बाजी मार जाएंगे शिव ठाकरे और ये एक विनर क्वालिटी जाएगी और ऑडियंस इनको और प्यार करेगी, जो कि उनके लिस्ट के अंदर नहीं है। जो आप लोगों को पता है कि उनकी लिस्ट में थोड़ा सा नाम गड़बड़ चल रहा है। यहां पे क्लियर कट एक चीज देखने को भी ये भी मिली कि घर के अंदर जो हालात चल रहे हैं और जिस हिसाब से टॉर्चर टास्क इस मुकाम पे खाली 8 से 10 दिन पहले टॉर्चर टास्क लाया गया, क्योंकि यहां पे बिग बॉस कहीं ना कहीं अपने लोगों को सामने रखना चाहते थे कि कौन कहां पे खड़ा है। क्लियर कट हुआ टॉर्चर टास्क के अंदर। टॉर्चर के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इनकी खुद की जो लोगों के प्रति कहते हैं ना कि एक भावना है, जो उनको टारगेट करना चाहते हैं, खुद की भड़ास निकालने वाला टास्क है। टॉर्चर टास्क के साथ ही खुद की भड़ास का निकालने का टास्क है। यहां पे शिव ठाकरे ने, एमसी स्टैन ने और निमृत आलूवालिया ने सिर्फ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया, शैंपू का इस्तेमाल किया, आइस का इस्तेमाल किया, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो सामने वाले पे इतना एफर्ट ना डाले, उतनी परेशानी ना हो। लेकिन जो प्रोमो में दिखाई दे रहा है कि लगातार यहां पे अर्चना जो लगातार मिर्ची और हल्दी का मिक्सचर बना के पाउडर डाल रही है, लगातार उनके फेस पे गिर रही है, वो रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, वो उनको जलन हो रही है, यहां पे दिख रहा है। शिव बर्दाश्त कर सकता है, एमसी शायद छोड़ सकता है, यहां पे निमृत भी काफी परेशान है, रो रही है। लेकिन क्या जो आप विनर क्वालिटी जिसको दिखाने की आप कोशिश कर रहे हो प्रियंका को, क्या वो इस मुद्दे पे बोल पा रही है? क्या वो अर्चना को रोक रही है? कल ही के एपिसोड में हमने देखा था कि उन्होंने क्लियर कट कहा था कि अर्चना तेरे को जो करना कर भाई, मैं इतना टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। जब आप कर नहीं सकते हो तो दूसरों को भी रोको, दूसरों को भी उन चीजों पे मत डालो कि आप खुद तो नहीं करना चाहते लेकिन भाई तू कर ले, तू आगे बढ़ जा। तो यहां पे ये भी दिखता है कि जब उन चीजों से आपको प्रॉब्लम है तो अगर दूसरा शख्स उनके साथ कर रहा तो उनको आपको रोकना चाहिए ना मैम, आपको रोकना चाहिए। प्रोमो में दिख रहा है कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और अर्चना का जो एक बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, पाउडर गिर रही है, हल्दी गिर रही है उनके फेस पे, मिर्ची का मिक्सर बना के हर एक एक्टिविटी कर रही है। जो अर्चना जल्दी सोने का आरोप लगाती कहती थी कि बिकॉज मुझे सोना है, आपकी खटखट भटखट ये चीजें चल रही है, वो पूरी रात सुबह की प्लानिंग में लगी रहती है, बाल्टियों में पानी भरती है, सामान इकट्ठा करती है, शैंपू वैम्पू सब कुछ, वो पूरी रात सो नहीं रही। उसको तो सुबह का वेट करना है कि सुबह इन लोगों को कैसे टारगेट करना है, और अब नींद खराब नहीं हो रही, लेकिन जरा सी खटखट हो जाए, जरा सी झाड़ू का थोड़ी सी आवाज आ जाए तो उनकी नींदें खराब हो जाती है। मैं यही बताने चाहता हूं आप लोगों को कि ये टास्क कहीं ना कहीं एक विनर को विनर बना देता है, जो सीजन के स्टार्टिंग में होता था, लेकिन इस मौके पे लाके कहीं ना कहीं बिग बॉस ने भी थोड़ी सी गेम तो खेलने की कोशिश करी, लेकिन बैकफायर हो गई इस बिग बॉस पे ही, क्योंकि यहां पे अभी भी वो खड़े हुए हैं और टास्क अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। खबरें सूत्रों से जोड़ा कहते हैं कि विमर्श चल रहे हैं कि ये विनर बन गया, वो विनर बन गया, लेकिन टास्क को रोका गया था, इतना जल्दी रिजल्ट अभी लोगों तक नहीं आया, लेकिन देखते हैं इसका रिजल्ट कुछ भी आया। लेकिन हां, सच में फैमिली जीत गई है, सच में मंडली जीत गई है, सच में आज इंसानियत जीत गई है। बिग बॉस को हम किस नजर से देखते हैं? हम देखते हैं कि आप किस हिसाब से एक रियल गेम खेलते हो, रियल बनते हो, क्या आप गेम के अंदर इतना घुस जाते हो कि किसी के कितना भी नुकसान हो जाए, किसी को कितना भी परेशान कर दे, जो अर्चना कर रही है वो शब्दों से हो या आप मिर्ची मसाला या हल्दी गिरने के पाउडर से हो, लगातार लोगों को टारगेट कर रही है, ये भी ऑडियंस देख रही है। नॉमिनेट हो गए, चारों इकट्ठा बैठ रहे हैं, चारों गले मिल रहे हैं, दिख रहा है। मैं फिर कहूंगा ये मंडली नहीं, ये फैमिली है। और वही जो प्रियंका को मना करना चाहिए था अर्चना को, उन्होंने रात में कहा कि अर्चना तेरे को जो करना है कर, पर मैं नहीं करूंगी, और अब हंस भी रही है वो। तो टॉर्चर टास्क नहीं था ये भड़ास टास था, और किसकी कितनी भड़ास निकल रही है वो जनता देख रही है, डिसाइड करेंगे किसे आप वोट करेंगे। मेरे रिकॉर्डिंग तो ये था आज का प्रोमो के रिकॉर्डिंग रिव्यू। नई अपडेट और लाइव के अंदर हम मिलेंगे शाम के, इन्हीं मुद्दों के साथ हम बात करेंगे कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है इन लोगों को मंडली से। खुदा हाफिज, बाय, मिलते हैं शाम की लाइव में।